जब पितामह अर्जुन के रोके नहीं रुक रहे हैं तो भला हम में से उन्हें कौन रोक पाएगा? मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। तो ठीक है, जाओ वत्स। चलो सारथी। अपना परिचय दो बालक। मैं वासुदेव कृष्ण का शिष्य और गंगा पुत्र भीष्म के पौत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। ये वीर गति को प्राप्त होने की आयु नहीं है आयुष्मान। वीर गति को प्राप्त होने की कोई आयु नहीं होती पितामह, और यदि होती हो तो मैं कदाचित अभी उस आयु तक नहीं पहुंचा हूं, किंतु आप तो उस आयु की सीमा को पार कर चुके हैं पितामह। और फिर यह तो किसी भी योद्धा के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि उसे अपने जीवन का पहला युद्ध आपसे करना पड़े। इसलिए मुझे आज्ञा के साथ साथ आशीर्वाद भी दीजिए पितामह। हे विधाता, तू किस किस को मेरा प्रतिद्वंद्वी बना रहा है? सावधान वत्स, सावधान। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। ये भरत वंश अर्जुन ही की भांति तुम पर भी सदैव गर्व करता रहेगा। तुम्हारे बाणों ने मेरी वृद्ध आंखों की ज्योति बढ़ा दी है वत्स। धन्य है वो वंश जिसमें तुम जैसे योद्धा ने जन्म लिया है। किंतु मेरे और तुम्हारे बीच इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल सकता वत्स, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा नहीं और तुम मेरे प्राण ले नहीं सकते। इसलिए अपना रथ कहीं और ले जाओ वत्स, कहीं और ले जाओ। क्षमा चाहता हूं पितामह, मेरा रथ दूसरी ओर नहीं जा सकता। मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। मैं तुमसे नहीं रोका जाऊंगा वत्स, नहीं रोका जाऊंगा। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। अर्जुन, अपने पुत्र को ले जाओ, वो मेरा मार्ग रोक रहा है। पितामह, आप मेरे प्रधान सेनापति हैं या उन पांडवों के? सारथी, रथ पितामह की ओर ले चलो। बस कर वत्स, बस कर, रुक जा। मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। महादेव की सौगंध, यदि आज मैं ये देख रहा होता कि हस्तिनापुर सुरक्षित है तो आज तेरी इस वीरता पर मैं अपने प्राण तेरी विजय का पारितोषिक मानकर तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता वत्स, तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। पितामह, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए
मैं इस असभ्य बालक के प्राण अपने वाण की नोक पर रखकर आपकी भेंट किए देता हूं। मैं आप ही को ढूंढ रहा था तवश्री, किंतु आप मेरे बड़ों के ऋणी, इसलिए आपका वध करके मैं अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहता। हे पवन देव, बीच रणभूमि में खड़े इस ज्येष्ठ पांडव पुत्र की ध्वनि इस रणभूमि में एकत्रित सारे रथियों, महारथियों और अति रथियों के अतिरिक्त सारे सैनिकों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। मेरा नाद जहां तक पहुंच रहा है वे सारे योद्धा और सैनिक सुने कि यह कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और यहां एक धर्म युद्ध आरंभ होने ही वाला है। इसलिए मेरी सेना में यदि कोई ऐसा हो जो यह समझता हो कि धर्म हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ है तो निष्ठाएं बदलने का यही समय है। वे लोग हमें छोड़कर अनुज दुर्योधन की ओर जा सकते हैं और यदि अनुज दुर्योधन की सेना में कोई ऐसा हो जो यह समझता हो कि धर्म हमारे साथ है तो मैं उसे अपने शिविर में आमंत्रित करता हूं। इससे पहले कि पितामह गंगापुत्र भीष्म युद्ध का शंख फूंके, जिसे आना हो वो आ जाए और जिसे जाना हो वो चला जाए। सारथी, हमारा रथ भ्राता युधिष्ठिर के शिविर में ले चलो। बदला पक्ष युयुत सुने धर प्रकाश की डोर, भाई भाई लड़ रहे माता हो किस मेरे शिविर में तुम्हारा स्वागत है। देख लिया पितामह, सौतेला सौतेला ही होता है। ये ना भूलो गांधारी नंदन कि दो सौतेले भाई उधर भी हैं। वे दोनों ही ये सुनकर कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाला हूं मेरा वध करने के लिए खड़े हो गए थे। भद्र नरेश ठीक कह रहे हैं वत्स, और फिर ये कि इस धर्म युद्ध में हर योद्धा को धर्म के प्रति अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है। यदि धर्म उस शिविर में है पितामह, तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? कहा ना ये व्यक्तिगत निर्णय लेने की घड़ी है पुत्र, क्योंकि धर्म का संबंध सेना से नहीं सेनानी से होता है, व्यक्ति से होता है। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है पितामह कि धर्म केवल युधिष्ठिर के ही शिविर में है? ये प्रश्न मुझसे ना करो पुत्र, ये प्रश्न मुझसे ना करो, ये प्रश्न करो अपने आप से, ये प्रश्न करो अपनी अंतरात्मा से, अपनी आंखों से अपने अभिमान और अपनी महत्वाकांक्षा की पट्टी हटाकर देखो पुत्र, तो तुम्हें तुम्हारी आंखें दिखला देंगी कि धर्म किस शिविर में है। हाँ,